चिकन चिली गार्लिक करी है। अब ये चिकन है तकरीबन मेरे पास हाफ के जी। अब इस चिकन को हम डालेंगे इसमें डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना हमें, ना मैरिनेशन करनी ना कुछ करना है। ये क्या चूल्हा करेंगे तेज़, और क्या डालेंगे इसके अंदर, हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये चला गया। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। अब इसको मैं इतनी देर तक कुक करूँगी कि चिकन जो है थोड़ी सी आपको लगे कि ये गल गई है। ये गई इसमें नमक, ठीक है जी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक हमने अभी इतना डाला है यानी तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें और डालेंगे जब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसको मैं एक काम करती हूँ, दिखाती हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस मत रखिएगा, ये दरमियाने से होने चाहिए, ये स्लाइटली बड़े हैं। कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं एक और चीज़ पे, इसी का हिस्सा है। आप परेशान ना हो कि आज कितनी रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा जी, इसके लिए आज बर्तन ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, आपको 3 चूल्हे भी कम पड़ जाते हैं। हाँ, वहाँ पर बन रहा है, खीर बन रही है। जी बिल्कुल। हाँ। अब आप दीजिएगा मुझे ओके पाची सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप देखिए बार बार कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है, इसलिए कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पाची सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। आप बताइए थोड़ा सा, बस ओके, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो मेरे पास लहसुन है, क्योंकि चिकन चिली गार्लिक करी है तो इसमें लहसुन जाएगा ज़रा सा, खूब सारा ना। ये तकरीबन 6-7 जवे आप बड़े लीजिएगा। इसको मैं फ्राई करूँगी। अब जैसे ही ये फ्राइंग पे आएगा, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें, और फ्राई करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसी के अंदर मसाले डाल दें, आप चाहें डायरेक्टली इसमें मसाले डालें। तो मैं काम करूँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी जल्दी है, तो मैं सारे मसाले इसी के अंदर डाल दूँगी। और साथ ही आपको ये दिखाते हैं, देखा आपने, बहुत ही अच्छी सी ये हमारी चिकन हो रही है, और ये तकरीबन हो गई है, सही जी। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालें, लेकिन ये देखें इस पर कलर ऐसा आ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। और अब मैं इसमें बाकी के मसाले जात ऐड करती हूँ, ये देखा आपने क्या जबरदस्त। हाँ, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें टमाटर, पिसे हुए टमाटर। आप चाहे तो अलग से मसाला भी भून सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे करी पाउडर, इजीली मार्केट में मिल जाता है, वो जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का करी पाउडर। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें तंदूरी मसाला, अभी इसको थोड़ा सा आपको खोलना पड़ेगा। है इतना मज़े का ये डब्बा, बहुत अच्छा बॉक्स है, कुछ ट्रकार्ड टाइप है। हाँ चलेगी। अच्छा, इसमें तंदूरी तारीफ कर दी तो ये तो बिगड़ गया है लग रहा है ऐसी। चले जी, ये खुल गया है। हाँ। अब इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये भी हम तकरीबन डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के, ये चला गया। ये था और तंदूरी मसाला, सही है जी। अब मैं काम करती हूँ कि ये लहसुन आप देख रहे हैं, बस आप कुछ भी ना करें, आप नहीं, बहुत देर हो गई। हाँ। नहीं, मैं बता देती हूँ, सिर्फ लहसुन को मैं निकाल लेती हूँ, जैसे ही हल्का सा कलर आएगा इसमें हम लहसुन निकाल लेंगे और ये मिर्चें जो हैं ये डाल देते हैं, बस कुछ भी नहीं। निकाला तो नहीं हमने, नहीं निकाल लेंगे, साथ ही निकाल लेंगे। अच्छा, मिर्चों के साथ फ्राई करके ये सारा इसे शिफ्ट कर देंगे, ये बाद में करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है इसकी, लेकिन हमें करी रखनी है। ये जैसे ये है, इससे थोड़ा सा हम इसको और थिक करें। अब आप देखिए इसमें हमने कोई पिसी हुई प्याज नहीं डाली, कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये चिलीज़ और जो हमने लहसुन फ्राई किया था, ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। हरा धनिया है, ऊपर से इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। बिरयानी हमारी तैयार है। खीर